नमस्कार दोस्तों, मैं आशु चौहान। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ, 7-8 महीने हो गए वीडियो नहीं डाल पाया। पहले विधानसभा के चुनाव, फिर अब आगामी लोकसभा के चुनाव, लेकिन आज मौका मिला और कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो डालते जाऊं, क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ दोस्तों के फोन मैसेज आ रहे थे कि कहाँ ड्यूटी चल रही है, तो अभी झुंझुनू नवलगढ़ थाने में। और आज समय निकाल कर मैं आया कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया वीडियो डाला जाए। तो आज हम पढ़ेंगे मेले, मंदिर, महोत्सव। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के रहता है, पहला प्रश्न। दूसरी बात, यहाँ पर एक दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग, उसी के नाम पर जिले का नाम रखा गया और कहा जाता है उस दुर्ग के लिए कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यहाँ के निर्णय मंत्र किस प्रकार याद कर रहे हैं आप, इस चीज को देखो, चीता नहीं सीता है। सीता माता नहीं होती तो राम रावण का युद्ध नहीं होता। सीता माता नहीं होती तो राम रावण का युद्ध नहीं होता और हम दशहरा नहीं मनाते। उसके बाद सांवलिया जी नहीं होते, सांवलिया जी श्री कृष्ण को कहते हैं, सांवलिया जी नहीं होते तो मीरा नहीं होती। मीरा तो माता थी, तो मातृ कुंडिया। माताओं और बहनों ने हमेशा जोहर किया है, माताओं और बहनों ने हमेशा क्या किया है, चित्तौड़ नहीं होता तो राजस्थान में उद्योग नहीं होते, तो मेवाड़ उद्योग महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। प्रश्न आएगा सीता माता का मेला कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। राम रावण का मेला बड़ी सादरी, स्थान का नाम। दशहरा मेला, राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भरता है निम्बाखेड़ा में। सांवलिया जी का मेला, सांवलिया जी का मेला है जो मंडफिया चित्तौड़गढ़ में स्थान है, वहां भरता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ दुर्ग में। मीरा का जो मंदिर है वो चित्तौड़ दुर्ग में है, मीरा मंदिर, और यहीं पर यह महोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था, कुंभा ने मीरा मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के सामने कुंभ श्याम मंदिर। मीरा के जो गुरु थे उनका नाम था संत रैदास, तो संत रैदास की छतरी भी यहीं पर है, संत रैदास की छतरी। एक साथ ही है कुंभ श्याम मंदिर मीरा मंदिर के पास में, और मीरा मंदिर के बिल्कुल सामने संत रैदास की छतरी है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था और यहीं पर मीरा महोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। मातृ कुंडिया का मेला रासमी गांव रघुनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में। मातृ कुंडिया को बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। फिर आ गया जोहर मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो याद करते हैं चित्तौड़गढ़, आप एक चीज याद रखना जो मैं अंडरलाइन करूं उसको अंडरलाइन करते रहना। सीता नहीं सीता थी, सीता तो माता थी, सीता माता नहीं होती तो राम रावण का युद्ध नहीं होता, राम रावण का युद्ध नहीं होता तो कौन सा त्योहार नहीं मनाते, दशहरा। अगर सांवलिया जी नहीं होते तो कौन नहीं होती, मीरा, क्योंकि राजस्थान की राधा कहा जाता है, कृष्ण की भक्ति क्या करती थी मीरा, तो सांवलिया जी नहीं होते तो मीरा भी नहीं होती, मीरा तो माता थी, और माताओं और बहनों ने हमेशा क्या किया है, जोहर। तो चित्तौड़गढ़ के जो मेले है वो इस प्रकार ठीक से याद करना। उसके बाद जैसे एक है सूर्य मंदिर जिसे काली का मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में है सतवीस देवरी जैन मंदिर है, और एक है श्रृंगार चौरी में यहाँ पर जो मंदिर है वो शांतिनाथ जैन मंदिर श्रृंगार चौरी में, ठीक है। तो अब
चित्तौड़गढ़ के बाद में हम नेक्स्ट जिले की बात करते हैं, नेक्स्ट जिला है हमारा नागौर। अब हम बात करेंगे नागौर की। नागौर, नागौर को धातु नगरी कहा जाता है, धातु नगरी कहा जाता है। नागौर में दधी मती माता है, दधी मती माता, दधी मती माता का वीर पुत्र है राम, दधी मती माता का वीर पुत्र है राम। उसने चार भुजा के बल से, चार भुजा के बल से हमीदु दीन नागौरी को हराया। बस एक लाइन और सारे मिले जाते। देखो नागौर, नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। नागौर की एक माता है जिसका नाम है दधीमती माता, उसका वीर पुत्र राम चार भुजा के बल से हमीदुद्दीन नागौरी को हराता है। याद करना कैसे है, वीर तेजाजी पशु मेला, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में होते हैं। रामदेव पशु मेला, चार भुजा नाथ जी का मेला, चार भुजा नाथ जी का मेला, बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला पूछा गया था मेड़ता में, चार भुजा नाथ जी का मेला मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी को मीरा की नगरी कहते हैं, मीरा की नगरी कहते हैं। मीरा का जो जन्म हुआ वो कुटकी ग्राम पाली में हुआ था, लेकिन इसके जो दादा थे वो मेड़ता के ही शासक थे राव दुद्दा, और पिताजी का नाम रतन सिंह राठौर। हमीदुद्दीन नागौरी, जैसे हमने पढ़ा मेला, उसी प्रकार मुस्लिम समाज में इनका उर्स होता है। उर्स, हमीदुद्दीन नागौरी को तारकीन का उर्स भी बोलते हैं, तारकीन का उर्स भी कहते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी को एक नाम दिया गया है सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। ये जो उपाधि है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी एक उपाधि दी गई थी सुल्तान उल हिंद, ये उपाधि इनको मोहम्मद गोरी के द्वारा दी गई, मोहम्मद गोरी के द्वारा दी गई। प्रश्न आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए, मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे 1192 ईस्वी में, जब त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ, त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। आपको क्या याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी को। तारकीन को उस काम करता है नागौर में धातु नगरी में। ये किसने कहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें राजस्थान में गरीब नवाज कहा जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है। उनकी दरगाह अजमेर में है, दरगाह अजमेर में है, और अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे, और फारस के संजरी गांव में इनका जन्म हुआ था, फारस के संजरी गांव में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें दधीमती माता का मेला कहां होता है, दधीमती माता का मेला गोठ मांगलोद में होता है, गोठ मांगलोद नागौर, गोठ मांगलोद नागौर में वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अगर कोई है तो वो पर्वतसर नागौर है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो उत्तर होगा सोनपुर बिहार, लेकिन राजस्थान में वीर तेजाजी पशु मेला। फिर रामदेव पशु मेला, चार भुजनाथ जी का मेला मेड़ता सिटी में, और मेड़ता सिटी को मीरा की नगरी कहते हैं, मीरा के जो दादा थे वो यहीं के रहने वाले थे। अब नागौर के बाद हम नेक्स्ट जिले की बात करेंगे जालौर की, लेकिन उससे पहले मैं नागौर के बारे में फिर बता दूं कि नागौर की माता कौन सी है, दधीमती, उसका पुत्र कौन है वीर राम, चार भुजा के बल से हमीदुद्दीन नागौरी को हराता है। एक लाइन पूरे मेरे मंदिर त्योहार आपको इसके साथ याद रख रहे हैं। अब हम बात करेंगे
जालौर की, जालौर, जालौर के बारे में सुनिए। जालौर की सुंधा माता थी, जालौर की सुंधा माता थी जो सेवा करती थी गोगा जी की, गोगा जी की और फत्ता जी की। इस आशा में ही बाबा रघुनाथपुरी मलिक शाह पीर की, मलिक शाह पीर की दरगाह देखने आएंगे। तो आपको फिर एक लाइन याद करनी है, चलो यहां पर याद क्या करना है कि सुंदर माता का मेला, सेवारिया पशु मेला, गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी का अर्थ होता है झोपड़ी, गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी का अर्थ है झोपड़ी, फत्ता जी का मेला, फत्ता जी का मेला, आशापुरी माता का मेला, आशापुरी माता का मेला। अब यहां पर देखिए आप जालौर, जालौर की कौन सी माता है, सुंदा माता, किसकी सेवा करती है गोगा जी की और फत्ता जी की। किस आशा में कि बाबा रघुनाथपुरी आएंगे, क्या देखने के लिए, दरगाह देखने के लिए। आप एक लाइन के साथ सारी मेले याद कर सकते हो। उसके बाद जो सुंदा माता का जो मेला है वो भरता है दांतलावास, दांतलावास स्थान का नाम दांतलावास है और जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियां यहां पर मेला भरता है। सेवाड़िया पशु मेला ये भरता है रानीवाड़ा में, रानीवाड़ा, रानीवाड़ा से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहां पर है, रानीवाड़ा में, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहां पर है, रानीवाड़ा में। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान की जो पहली दूध की डेयरी थी वो कहां पर हुई, तो जो पहली थी उसका नाम था पद्मा, पद्मा अजमेर में, ये प्रथम है, प्रथम दूध डेयरी। गोगा जी की ओलड़ी ये है किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, स्थान है सांचौर और सांचौर को बोलते हैं राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, सांचौर को। फत्ता जी का मेला भरता है सांथू गांव में, सांथू गांव में। आशापुरी माता, आशापुरी माता को ही बोलते हैं महोत्री माता, महोत्रा देवी। ये प्रश्न पूछा जाए तो नाडोल और जालौर के जो सोनग्रा चौहान थे, सोनग्रा चौहान, इनकी चौहानों की कुल देवी है। नाडोल जालौर के जो सोनग्रा चौहान है उनकी कुल देवी कौन सी, आशापुरी माता, उसे ही महोत्रा माता के नाम से जाना जाता। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला और एक है मलिक शाह पीर की दरगाह जालौर। लेकिन जालौर में 16 वर्षों के अंदर एक जैनों का बहुत बड़ा मंदिर तैयार हुआ है जिसे बोलते हैं भैतर जिनाले। तो महत्वपूर्ण है ये भैतर जिनाले कहां पर है, भीनमाल में, कहां पर है, भीनमाल में, भीनमाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भीनमाल के अंदर भैतर जिनाले जो सबसे बड़ा जैनों का मंदिर है जो 16 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुए आज के 3 जिलों के मंदिर मेले महोत्सव, जहां मंदिर होते हैं वही मेले भरते हैं। तो सबसे पहले था चित्तौड़गढ़, फिर आया नागौर और अब जालौर। चित्तौड़गढ़, सीता माता नहीं होती तो किसका युद्ध नहीं होता, राम रावण का, क्योंकि हम जानते हैं सभी युद्ध तो महिलाओं के कारण हुए थे। तो राम रावण का युद्ध नहीं होता तो क्या नहीं मनाते, दशहरा। अगर सांवड़िया जी नहीं होते तो कौन नहीं होती, मीरा, मीरा तो माता की, और माता और बहनों ने क्या किया हमेशा जोहर, ठीक है। और फिर नागौर, नागौर में क्या था कि नागौर की एक माता थी जिसका नाम था दधीमती माता, दधीमती माता जो थी उसका एक पुत्र था वीर, उसने 4 भुजा के बल से किसको हराया, मृदुदीन नागौरी को। फिर जालौर,
जालौर की सुधा माता सेवा करती है गोगाजी और सॉरी जालौर की सुंदा माता सेवा करती है गोगाजी और फत्ताजी की। इस आशा में कि वहां पर गुलाबपुरी क्या देखने आएंगे दरगाह। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।